तुम लोग मास्क पहन लो यार प्लीज। अभी मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट हो रहा है। आज ही मैं खैर सोच रही थी कि एक्चुअली बीइंग अ मदर इज़ द मोस्ट वंडरफुल थिंग, और आपको लाइफ में मदर बनने के बाद शायद कुछ भी नहीं करना चाहिए क्योंकि दैट इज़ द मोस्ट स्पेशल थिंग दैट यू हैव। और मैं आज ही सोच रही थी कि बिकॉज आई एम गेटिंग बैक टू वर्क नाउ, मैं अब बेबी को छोड़ के ट्रैवल भी करने लगी हूँ, तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं उसको मिस कर रही हूँ ज़्यादा, क्योंकि मैं अभी तक उसी के साथ थी। बट अब मैं वापस से आई एम गेटिंग बैक टू वर्क, आई एम गेटिंग बैक इन शेप, सो या आई एम स्पेंडिंग मोर टाइम ऑन माई सेल्फ। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे और थोड़ा टाइम देना, ज़्यादा टाइम देना चाहिए, बट थैंक्स टू ओमिक्रॉन जो मैं दे पा रही हूँ अभी तक टाइम। बट आई थिंक फुल फ्लेज्ड काम अभी तक मैंने प्लान नहीं किया शुरू करने का, इसीलिए क्योंकि आई वॉन्ट टू स्पेंड एज मच एज आई कैन, आई मीन टाइम विथ हिम। आई थिंक जैसे आपका बच्चा बड़ा होता है वैसे आप भी एज ए मदर या एज ए पेरेंट ग्रो करते हो। एवरी डे आपको भी कुछ नया सीखने मिलता है क्योंकि एवरी बेबी इज़ डिफरेंट। अब मेरी मम्मी बोलती है मैं तो बचपन में बहुत शांत थी, कुणाल वॉज अ डिफरेंट चाइल्ड, अब हमारा बच्चा बहुत अलग है, तो कोई उसे संभाल नहीं पाता, उसे कोई खिला नहीं पाता, तो एवरी थिंग एवरी डे वी यू नो लर्न न्यू थिंग्स। बट वॉट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड चैलेंजिंग थिंग इज़ टू मेक हिम अ गुड ह्यूमन बींग, जो हम पूरी कोशिश करेंगे कि वो क्या बड़ा होकर बनेगा वो नहीं पता, बट अच्छा इंसान बनना चाहिए बस। ऐसा कुछ नहीं है, मुझे अल्लू अर्जुन की मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और मैं उनको बहुत टाइम बाद देखती हूँ यार, थिएटर्स खुले हैं, बहुत मुश्किल से कोई पिक्चर लगी है, तो मैं मिस नहीं करना चाहती हूँ, और वो एक बिग स्क्रीन वाली फीलिंग है उस फिल्म में, तो मुझे वो फिल्म थिएटर में देखनी है।